नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे म्यूज़िक पसंद करते हैं और लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे कई गरीब परिवारों के बच्चे भी होते हैं जो अपने इच्छाएं जो है अपने मन में रख लेते हैं। लेकिन आपको बता दें, आज हम पहुँचे हुए हैं इस समय आपकी फरमाइश अकेडमी के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संजय बटला हैं वो पहुँचे हुए हैं, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि, और ओपनिंग जो है वो की जा रही है। एक बाकायदा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी इस जगह पर, म्यूज़िक की और सिंगिंग की ट्रेनिंग जो है वो बाकायदा दी जाएगी। तो आपसे अपील करेंगे, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और यहाँ बात भी करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ जो है फ़िलहाल बच्चों को किस तरह की ट्रेनिंग जो है यहाँ पर दी जाएगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो संजय बटला, उनका स्वागत करते हुए जो अकेडमी के जितने भी यहाँ पर जो सदस्य हैं, और यहाँ पर जी तो आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। क्या कुछ जो है इस एकेडमी के अंदर रहने वाला है, आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फरमाइश जो संस्था है वो अब उन गरीब बच्चों को भी ट्रेनिंग देगी जो बच्चे समर्थ नहीं हैं, जो बच्चे सिंगिंग तो करना चाहते हैं, म्यूज़िक भी सीखना चाहते हैं लेकिन म्यूज़िक नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पर बात करने का प्रयास भी करेंगे कि क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए। सब क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हरबिंदर कंग हूँ और हम आपकी फरमाइश प्लेटफॉर्म को संगीत के स्तर पे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम जो संगीत का असली रूप है उसको आगे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो गरीब बच्चे हैं और संगीत सीखना चाहते हैं, अफोर्डेबल कंडीशन में नहीं, उनके लिए फ्री रहेगा। और ये एकेडमी जो है 10 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन खुली रहेगी और संडे भी ओपन रहेगी, ताकि किसी को भी समय की कोई किल्लत होते हुए यहाँ आने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर बता दें कि उन बच्चों के लिए फ्री रहने वाला है। आप देख सकते हैं आज इसका जो ओपनिंग है, आज इसकी वो की गई है। आज सर ओपनिंग है इसकी? आज ओपनिंग है सर, पहले ट्रायल बेसिस पे था, पिछले 15 दिनों से आज ओपनिंग है। और ओपनिंग में करनाल के जितने भी संगीत के प्रतिनिधि हैं, गायक हैं, एंकर हैं, अभिनेता हैं, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो अभी यहाँ पहुँच रहे होंगे। तो आज सर इसका नाम जो है आपकी फरमाइश कराओकी क्लब रखा गया है? जी, आपकी फरमाइश हमने इसलिए रखा है क्योंकि आपकी फरमाइश यानी जनता के पसंद के जो भी गाने होंगे वो या सिंगर स्टेज पर उसको परफॉर्म करेंगे और उनको भरपूर मनोरंजन प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर जो संजय बटला हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और बाकायदा देख सकते हैं कि जो अन्य जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। तो बटला जी से भी बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस, आज आप पहुँचे हैं एकेडमी के अंदर और उन गरीब बच्चे जो बच्चे म्यूज़िक पसंद करते हैं, आज उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क जो है यहाँ पर बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाएगा, क्या कुछ? मैं सबसे पहले चार स्टूडियो और विनोद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज उन्होंने ये आपकी फरमाइश क्रोकरे क्लब का इनॉग्रेशन है, अच्छी इन्होंने एक पहल की है कि आज आप देखते हो कि हर व्यक्ति अपने काम में इतना तनाव में रहता है, सारा दिन काम भाग दौड़, लोगों के साथ परेशानियाँ, वो तनाव से मुक्ति के लिए एक अच्छा इन्होंने ये पहल किया है। बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट इन्होंने बताया कि कोई भी यहाँ आएगा, आप गरीब बच्चे ही नहीं, यहाँ डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी यहाँ आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से इनका ये अभ्यास चल रहा था, तो कई अच्छे अच्छे बड़े बड़ी हस्तियाँ भी है। और सबसे अच्छी बात जो आप बता रहे हैं कि गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क बिना किसी फीस के इन्होंने यहाँ रखा है, ये इनकी सबसे अच्छी बात है। ये एक सेवा के लिए इन्होंने रखा है, ये कोई कमाने के लिए, जैसे मेरे को बता रहे हैं कि कमाने के लिए अपना ये स्टूडियो नहीं खोला, एक शहर के वासियों के लिए एक सेवा का माध्यम बनाते हुए इन्होंने किया है। मैं आज इसकी इनॉग्रेशन पे बहुत बहुत विनोद जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छी बात है और आज इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। अब जो भी बच्चे, लेकिन आपको बता दें सिर्फ उन परिवारों के लिए जो परिवार जो है समर्थ नहीं है बच्चों के ऊपर जो है कि किसी तरीके से वो उनकी फ़ीस भर पाएँ, तो ऐसे में उन्हीं परिवारों के लिए जो है ये बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। और अन्य जानकारियाँ भी जो हैं हम लेने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सर उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है? सर उनके लिए जब वो परिपूर्ण हो जाएंगे इसमें और अच्छा परफॉर्म करेंगे संगीत के लेवल पे, तो उनके लिए जैसे हमारे विनोद जी जिन्होंने इसका आगाज़ किया है, वो भी अभी आपसे रूबरू होंगे, उनके पास पूरी सुविधा है चार स्टूडियो एंड फिल्म प्रोडक्शन की। वो जितने भी सॉन्ग्स यहाँ, जैसे आप देखते हैं कमर्शियल सॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मूवी में, वो सभी तरह के सॉन्ग्स भी वो शूट करेंगे। वीडियो शूट की हमारे पास पूरी सुविधा है, रिकॉर्डिंग की पूरी सुविधा है, उनको हम आगे लाने का पूरे प्रयत्न करके इस क्षेत्र में उनके कैरियर में उनका आगाज़ करेंगे।
और विनोद जी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ वो कहेंगे इसके बारे में, और उन सब बच्चों को जो बच्चे ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी कभी जो है एक अच्छे सिंगर बने, लेकिन उन्हें कोई ट्रेनिंग जो है अच्छी मिले, क्योंकि यहाँ पर बकायदा एक अच्छे जो टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, एक्सपीरियंस हैंड उन्हें रखा जाएगा और फिर वो उन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। तो विनोद जी से बात करते हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, अब बच्चे जो हैं म्यूज़िक सीखने की जो ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए आपने जो है फिलहाल निशुल्क जो है एक अकेडमी खोली है गरीब बच्चों के लिए, क्या कुछ कहें? जय माता की। सर जी, ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, छोटी सी कोशिश की है आपकी फरमाइश। मेरी इच्छा सर, जो लोग सारा दिन काम धंधे बिजनेस में सारा दिन परेशानी में रहते हैं, वह यहाँ आए, गुनगुनाएं, गाएं, मुस्कुराएं, जीना सीखे, जीना जी का नाम है। सर ये आपकी फरमाइश सभी लोगों के लिए है, यहाँ पे एक ऐसी संस्था खड़ी की गई है, ये सब आप ही की बदौलत, आप ही की आशीर्वाद से, आप सभी भाइयों की कृपा और आशीर्वाद से खुले। सर मैं इसमें कुछ नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ एक, मैं संगीत से प्यार करता हूँ, संगीत से मेरे रोम रोम में है, मेरे नस नस में है। मैं चाहता हूँ जो भाई जो बच्चे गरीब हैं वो गा नहीं सकते, मौका नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मैं एक ऐसी छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों को आगे ले जाऊँ जो बच्चे फीस नहीं है, उन बच्चों को बिना फीस के उनको हम आगे ले जाएंगे और परी कोशिश रहेगी सर उनको बूथ ऊपर तक ले जाएंगे, और हमारी पूरा प्रयास है सर ये एक छोटी सी कोशिश आपकी फरमाइश आपके द्वारा। मेरे भाई थैंक सो मच अक्कर शंपल जी और दर्पण जी। क्या रहेगा बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, कब से कब ट्रेनिंग दी जाएगी? सर इसमें डेली 8 से 10 बजे से 8 बजे तक होगा और संडे भी ओपन होगा सर, कोई छुट्टी नहीं होगी, जब मर्जी आए, गाय मुस्कराएं, जीना इसी का नाम है, जियो अपनी जिंदगी आपकी फरमाइश में आए, गाय मुस्कराएं, जय माता की। और सर ये एड्रेस क्या पड़ता है जो भी कोई आना चाहे? ये एड्रेस सर ये चाह स्टूडियो नियर कलंदरी गेट करनाल फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू सर। तो यहाँ पर जो है फिलहाल सभी बच्चों को हम कहना चाहेंगे, अगर कोई भी बच्चा यहाँ आकर सीखना चाहता है, यहाँ पर आना चाहता है, बात करना चाहता है, तो वो ज़रूर आए, और इसकी शुरुआत आज कर दी गई है कलंदरी गेट के पास ही, आपकी फरमाइश जो क्लब है वहाँ पर बच्चों को अब बिल्कुल निःशुल्क, गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क जो ट्रेनिंग है उन्हें दी जाएगी सिंगिंग की, साथ में कुछ म्यूजिकल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, इंस्ट्रूमेंट जो है कैसे, क्योंकि एक दो इंस्ट्रूमेंट है उनकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक।